जो अपोजिशन है वो दो मुद्दे को लेकर हरदम आप लोगों को सरकार को घेरने में लगी रहती है, या तो राफेल या महागठबंधन, जिस महागठबंधन का ना फिलोसफी अभी तक सामने आया है, ना फेस सामने आया है, ना फ्यूचर का कोई एजेंडा सामने आया है। देखो, महागठबंधन का अर्थ यही है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। जब एक पार्टी को पता है कि हम लोग इनको हरा नहीं सकते, इसीलिए अलायंस की बात होती है, ये मजबूरी से आती है। कोई भी अलायंस खुशी से नहीं होती, मजबूरी से होती है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ताकत बढ़ी है, उस डर के कारण ही अलायंस हो रही है। जो लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते थे, एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, वो गले में हाथ डाल रहे हैं, उनके दोस्ती का राज हमारी ताकत बढ़ने में है। मुझे लगता है राजनीति में 2+2=4 कभी नहीं होते। ये 2019 के लिए चुनौती है सर, मानते हैं आप, क्योंकि मंच साझा करने से भी एक दूसरे पार्टी के नेता बचना चाहते हैं। देखिए, इंदिरा जी के खिलाफ बड़ी आघाड़ी बनी थी, सब पार्टियाँ एक आई थी, पर 2+2=4 नहीं हुआ, इंदिरा जी चुनाव जीत गई थी। केवल व्यक्ति विरोध के द्वारा ऐसी राजनीति करने से जनता साथ नहीं देती।